वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहिणी आपके लिए अगेन एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो कुर्ता सेट्स जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड बहुत ही ज्यादा बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं आज आपके लिए जो कुर्ता सेट्स लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मैं मीशो से। एंड मीशो क्या है ये आपको तो पता ही होगा, मीशो एक रीसेलिंग ऐप है जहां से आप कोई भी चीज अपने लिए भी खरीद सकते हैं एंड दूसरे को वो बेच भी सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लगती है तो वो आपको आपके स्टेटस पे, आपके फेसबुक प्रोफाइल पे या फिर कहीं पे भी आपको आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ उसे शेयर करना है। एंड अगर किसी को वो पसंद आती है तो वो उसे खरीदेगा। खरीदने के टाइम पे आपको, आप जब उसे बेचेंगे तो उसे आपको मार्जिन ऐड करके उसको करना पड़ता है, जिससे क्या होगा आपका मार्जिन एज आपका प्रॉफिट होगा एंड वो उसके हिसाब से आप जितनी चीजें बेचोगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो इसी तरीके से मीशो वर्क करता है। मीशो और किस तरह से प्रॉपरली वर्क करता है इसके लिए मैं अपने वीडियो की लिंक आई बटन पे ऊपर दे रही हूँ, कहीं पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे भी शेयर करती रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए बिकॉज वहां पे भी मैं बहुत ज्यादा अभी फिलहाल एक्टिव हो रही हूँ एंड बहुत सारी चीजें वहां शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपने अभी तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर लिया होगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये कुर्ता सेट मैंने पहना है ये भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बांधनी प्रिंट में है जिसमें मैंने यहाँ पे वर्क वगैरह किया हुआ है, जिसका मैंने ऑलरेडी हॉल कर रखा है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी या फिर आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ दो कुर्ता सेट्स। सिंपल है बट डेली वेयर, ऑफिस वेयर के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए ये है एंड आई होप आपको पसंद आएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या है एंड ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है ये मैं सॉलिड ब्लैक वाला आपके साथ शेयर करती हूँ। सॉलिड ब्लैक, इसके लिए पिक्चर मैं आपको यहाँ पर अटैच कर दूंगी। तो यहाँ पे आपको जो मिलता है ये एक कुर्ता एंड प्लाजो है, प्लाजो ही होगा आई थिंक, तो मैं आपको बाद में बताती हूँ, तब तक कुर्ता देख लेते हैं। तो कुर्ता जो है वो है कुछ इस तरीके से एंड ये आई थिंक अनारकली पैटर्न में है। यस, अनारकली फ्रॉक टाइप पैटर्न में है। तो ये इस तरीके से है एंड ये डार्क होने की वजह से इसमें सी थ्रू होना वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इनर्स इसी कलर की पहनिए। जो स्लीव्स हैं ये 3/4 नहीं है, ये एल्बो तक की स्लीव्स हैं जो बहुत सुंदर लगती है, बहुत स्मार्ट लगती है। एंड ये टोटली ब्लैक है, तो आपको अगर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ इसको पेयर अप करना है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का नेक पीस पहन लिया, लॉन्ग नेक पहन लिया, नेकलेस पहन लिया, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ इयररिंग्स भी एक ऑक्सीडाइज बहुत अच्छे जाते हैं बिकॉज रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा सुपर्ब आता है। तो ये बस्ट लाइन तक आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा एंड इसके बाद नीचे आपको ये इतने घेर मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा घेर है जो बहुत अच्छा लुक देने वाला है। एंड पीछे इसका गला जो है ये थोड़ा डीप है, देख सकते हैं आप, थोड़ा डीप है जहां पे डोरी दी गई है, डोरी दी गई है बांधने के लिए। एंड डोरी में आपको इस काइंड ऑफ ये बैंगल्स के लटकन मिल जाते हैं, देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर लटकन है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बहुत ही डिसेंट बोलूंगी ना इस टाइप का ये कुर्ता, ये पार्टी वेयर है एंड ये बहुत सुंदर लगेगा, ये पीछे से बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। ये देखिए मुझे स्पेशली ये जो लटकन है इसके बड़े बैंगल्स से बनाए हैं तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये था इसका कुर्ता। इसके साथ जो पैंट आई है वो भी प्लेन ब्लैक में ही है, तो ये भी दोनों साइड से इलास्टिक है एंड यस दिस इज प्लाजो, प्लाजो है। मैं मुझे एक्चुअली इसमें क्या आइडिया आया कि मैं ना इसमें कुछ नीचे रेड कलर की, इसमें रेड कलर का दुपट्टा है तो मैं कुछ नीचे रेड कलर की लेस वगैरह लगा दूं। बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत ही प्लेन भी नहीं अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी क्या करूंगी, मैं चाहे तो गोटा पट्टी वर्क नीचे लगवा लूंगी जिससे अच्छा लगेगा। तो ये प्लेन ब्लैक है, इसमें कुछ ये नहीं है। एक ही चीज मुझे बस इसकी पसंद नहीं आई बोलूंगी मैं कि इसका जो कुर्ता, सॉरी इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टे की लेंथ भी, लेंथ तो ठीक ठाक है, लेंथ का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आई थिंक सो लेंथ भी थोड़ी सी कम है, विड्थ में ठीक है, विड्थ इतना ठीक है बट लेंथ एक्चुअली इसकी कम है एंड इसकी लेंथ कुछ ज्यादा नहीं है, देखिए बस इतना ही खत्म हो जाता है। एंड कपड़ा एज ये एज अ कपड़ा, मतलब ये कुर्ती का कपड़ा है एंड ये एज अ दुपट्टा इन्होंने दिया है, तो ये मुझे नहीं इतना पसंद आया है। तो कोई और रेड ओढ़नी, अगर आप बांधनी की ओढ़नी वगैरह अगर उसके साथ पेयर अप करेंगे तो अच्छी लगेगी, ये मुझे इतनी खास नहीं लगी बट स्टिल ठीक है। अगर कोई नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल बर्थडे पार्टी वगैरह है तो आप इसे पहन सकते हो। ये दुपट्टा मुझे इतना खास नहीं लगा, इतना ठीक है, मतलब
सो है, इतना कुछ खास नहीं। कपड़ा अच्छा है, कपड़े का कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक कपड़ा दुपट्टे का कपड़ा कैसे थोड़ा सा शिफॉन या फिर बांधनी या फिर ऐसा ऐसा कपड़ा होना चाहिए। कॉटन भी अच्छा लगता है, लेकिन ये कुर्ती स्टाइल का कपड़ा है ना, जिसमें क्या कर दिए इन्होंने यहाँ पे ये पॉम पॉम लगा दिए हैं एंड यहाँ पे नीचे गोटा पट्टी और पॉम पॉम लगा दिए, जिससे लुक आएगा। मे भी पहनने के बाद अच्छा लगे, बट मुझे थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है। तो आई होप मैं अगर इसमें कुछ कर पाऊँ तो मैं शायद इसमें नीचे लटकन्स लगा दूँ एंड साइड में कुछ बॉर्डर्स लगा दूँ, ऐसा कुछ सोच रही हूँ। अभी देखती हूँ क्या क्या हो पाता है एंड या फिर कोई और दुपट्टा इसके साथ पैर हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट पीस है, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट पीस है। तो चलिए मैं भी इसको अभी आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये जो है ये इस ऐसे लाइट कलर में है, ऑफ वाइट कलर में हम लोग बोल सकते हैं। इसकी पिक्चर, इसकी भी मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसका जो कुर्ता है, पहले आपको कुर्ता दिखा देती हूँ। कुर्ता जो है ये अगेन स्टैंड कॉलर में आया, एंड पहले मुझे स्टैंड कॉलर इतना नहीं अच्छा लगता था, बट अभी जब से मैंने ये कुर्ती पहनी है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगी। स्टैंड कॉलर बहुत अच्छा लगने लग गया। तो मतलब क्या होता है ना, बंदा बंदा सा लगता है, बट कभी कभी अच्छा लगता है। इसके साथ हम लोग ऐसे अच्छे वाले इयररिंग्स पहन ले तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी अगेन स्टैंड कॉलर में भी आया है। इसकी जो स्लीव्स है ये 3/4 है एंड ये आई होप मुझे बड़ा होने वाला है। ये मैंने एक्सेल साइज में मंगाया है, बिकॉज मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं पैंट की वजह से एक्सेल साइज में मंगवाती हूँ। तो ये दिखने में एक्सेल बड़ा लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी ये जो पहना है इसकी कुर्ती, ये ठीक है, बट इसकी जो ये जो है ना, ये मुझे स्लीव्स में वगैरह ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है। तो आई होप मुझे इसको ऑल्टर कराना पड़े, तो ये ऑल्टर कराना ही पड़ेगा। एंड ये देखिए, ऑल ओवर इस काइंड ऑफ आपको छोटे 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 प्रिंट्स मिल जाएंगे। स्लीव्स में भी आपको इस तरीके का ये बॉर्डर मिल रहा है एंड यहाँ पे गले में भी ये इस तरह की पट्टी मिल रही है। तो इस काइंड ऑफ ये कुर्ती हो जाती है। इसकी जो पैंट है, पैंट ये प्लाजो में ही आई है, पैंट हाँ ये प्लाजो में ही आई है, और इसमें ये वाला वर्क है जो इसके स्लीव्स में दिया था, जो स्लीव्स में दिया है, नीचे भी यही बॉर्डर दिए इसके एंड स्लीव्स में भी यही बॉर्डर दिए। तो स्लीव्स में जो दिया था उस कपड़े की पैंट है, बहुत अच्छा डिसेंट दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे पिक में, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। एंड इसका दुपट्टा एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया, मुझे लगा था दुपट्टा कुछ शिफॉन या फिर कुछ ऐसा जॉर्जेट वगैरह का होगा, लेकिन ये दुपट्टा आया है कॉटन में। कॉटन का भी दुपट्टा अच्छा लगता है, उसके साथ अच्छा जाएगा, बिकॉज पिक्चर में बहुत ही सुंदर लग रहा था ये कुर्ता, तो मुझे अच्छा लगा। तो आई होप अच्छा ही होगा, मतलब अच्छा ही लग रहा है, पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है। ये देखिए दुपट्टा कुछ इस काइंड ऑफ है एंड दुपट्टे की लेंथ एंड विड्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ऑलमोस्ट बहुत अच्छी है, तो पसंद आया मुझे ये। मतलब सिंपल फंक्शंस के लिए, ऑफिस के लिए, आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने के लिए वगैरह, इज गुड, अच्छा है। एंड पार्टी फंक्शन में इतना नहीं आप इसको पेयर अप कर पाओगे, बिकॉज ये सिंपल एंड सोबर है, बहुत ज़्यादा सिंपल एंड सोबर है, बट आई होप ये अच्छा लगेगा। एंड आई एम सो सॉरी, अभी मेरी लाइट चली गई इसीलिए मुझे आपको फेस इतना डार्क लग रहा है। तो वैसे भी वीडियो खत्म हो गया है, तो चुका है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसमें जो आपको कुर्ता सेट्स दिखाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे एंड इसकी भी लिंक मैंने नीचे दे दी है, तो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वहां पे जाके आप कोड्स सर्च बार में डालिए एंड वहां पे लिखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक देखते हैं कौन सा नया वीडियो आता है। एंड इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टेक केयर, सी यू सून एंड बाय बाय।